समय में कुछ केस कर दिया गया था आचार संहिता का, उसके लिए आए थे और केस का जो प्रक्रिया है, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं तो केस के लिए जो संबंधित जो चीज़ें था उसको लेकर हम आज पेशी था तो वहीं केस। पप्पू यादव ने आचार संहिता को उल्लंघन मामले को लेकर उन्होंने एक बड़ी बयान पहले कि क्या जो नियम है इसमें बदलाव आने चाहिए क्योंकि परेशान किया जा रहा है इसको। हाँ, निश्चित तौर पे इसमें बदलाव की आवश्यकता है और हमने कल भी हम दरभंगा कोर्ट रूम में गया था तो वहाँ से जज साहब से भी बात हुआ था, उनका भी कहना था कि आप ही लोगों को कानून में बदलाव लाना है और इसमें सही है कि लोगों को परेशान किया जाता है और जो केस लिखते हैं उनको भी पूरी जानकारी नहीं है। जैसे मेरे पास जो भी मैं जो केस में आया हूँ उस केस से दूर दूर तक मेरा लेना देना नहीं है। उस केस में मैं आया हूँ, कैंडिडेट मैं हूँ, कोई प्रचार कर रहा है, कहीं गलत कर रहा है तो उनके ऊपर केस होना चाहिए, नहीं कि कैंडिडेट के ऊपर होना चाहिए। अब गाड़ी मालिक के ऊपर केस कर दिया गया, ड्राइवर के ऊपर केस कर दिया गया, ये कहीं नहीं सही है। दूसरा केस एक है कि कहीं पे किसी के नाम पे बैनर लगा हुआ है उसके आधार पे केस कर देना, तो ये सही नहीं है। अभी तो प्रधानमंत्री जी का कहीं पे बैनर लगा रहेगा तो क्या इसका मतलब प्रधानमंत्री जी के ऊपर केस कर देंगे? तो यही सब चीज़ें जो है इस पे थोड़ा बड़े पैमाने पे कानून में बदलाव होना चाहिए। अंग्रेज के ज़माना में जो कानून बना था वही कानून पे आज भी हमारे देश में न्यायपालिका में सब चीज़ें हैं, इसमें बहुत बड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता है। केस किस तरीके से कैसे होना चाहिए, इसमें लोग बेवजह से परेशान हो रहा है, लोगों का समय बर्बाद हो रहा है, कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है, लोगों परेशानी में क्या सामना करना पड़ता है, इस पर हम लोग आने वाले समय में पहल करेंगे कि इसमें बदलाव हो और जो कानून जो है वो कानून अपने अनुकूल काम करे और लोग को इतना भी ढील ना दे कि वो गलत करे, लेकिन ऐसा भी ना हो कि लोग परेशान हो। जाति जनगणना पर मोहर लग चुका है, इसके लिए अच्छा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद हमने दिया है। इस पर हम लोगों को पहले से कोशिश कर रहे थे कि जाति का जनगणना हो, केंद्र सरकार नहीं कराती है तो राज्य सरकार अपने खर्चा जी कल कैबिनेट से पास भी किए, राज्य सरकार अपने खर्चा से जाति का जनगणना करेंगे, स्वागत योग्य है। पता चलेगा बिहार में किस जाति का कितना संख्या है, उसको उस आधार पे उनको लाभ मिले, तो इस सारे चीज़ें की जानकारी हो रही है और बिहार हमें लगता है कि पहला राज्य होगा कि अपने खर्चा से जल्द जल्द करा लें। तो खाली मैं यही कोशिश करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा चीज़ें जो होता है वो उससे पॉलिटिकल होता है, जैसे विशेष राज का दर्जा ये पॉलिटिकल है, उसी तरीके से ये पॉलिटिकल ना हो जाए इसके लिए काम हो, क्योंकि विशेष राज का दर्जा नहीं मिल रहा तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी केंद्र सरकार का साथ छोड़ देना चाहिए, लेकिन केंद्र में साथ भी है और विशेष राज का दर्जा भी मांग रहे पिछले 15 साल से, तो ये भी ऐसा ना हो कि पेपर पे है और पता चला कि मुख्यमंत्री जी नहीं रहेंगे तब तक ये लटका हुआ रहेगा। एक टाइम सुनिश्चित हो कि 6 महीना में हो रहा है या 4 महीना में हो रहा है या 8 महीने में हो रहा है, टाइम सुनिश्चित हो, लोकसभा चुनाव से पहले ये लोगों के बीच में जागरूक हो जाए कि किस जिला में किस जाति समुदाय की क्या संख्या है। सर एक सवाल और है, जाति जनगणना पर मोहर लगी उसके बाद बीजेपी के नेता मंत्री है नरेश कुमार बलवा, उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग कर दी है। देखिए पहले तो ये हो, उसके बाद उन्हीं का सरकार है ना, किससे मांग कर रहे हैं? उनके बात अगर मुख्यमंत्री जी ना सुन रहे तो गठबंधन तोड़ लेना चाहिए, मांग किससे कर रहे हैं? सरकार उन्हीं का है तो करना है तो कीजिए ना भाई, मना किसने किया? हम लोग मना कर रहे हैं या कोई विपक्ष में वो मना कर रहा है? आपका सरकार आप कीजिए ना, बोल किसको रहे हैं? आप कीजिए, आपको लगता है कि होना चाहिए तो वो आप कीजिए, मना किसने किया है? नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहें, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।